पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। गढ़वा जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण चरम पर है। बुधवार देर रात जिले में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। यहां कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इनमें से गढ़वा जिले में 4 संक्रमितों की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार बताया गया कि पति पत्नी दोनों ने कराए थे कोविड जांच। 55 वर्षीय कोरोना मरीज व्यवसायी गढ़वा मुख्यालय के रहने वाले थे। मरीज को पहले से किडनी शुगर की बीमारी थी। बीमार रहने पर बुधवार को व्यवसायी और उनकी पत्नी ने कोरोना जांच कराई। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल स्थित कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया। कोविड सेंटर में हालत गंभीर होने के बाद उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि रांची रिम्स पहुंचने के बाद इलाज शुरू होने से पहले ही मरीज ने दम तोड़ दिया। कोरोना वायरस के संक्रमण से दम तोड़ने वाले अधेड़ गढ़वा के जाने माने व्यवसायी थे। उनकी एक रिश्तेदार गढ़वा नगर पंचायत के बड़े पद पर रह चुके हैं। गढ़वा पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।